तो जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, मतलब कहने की बात यह है कि कुछ टाइम पहले मैंने गर्मियों में आपसे ये बात कही थी कि आप अपने लिए एक ऐसा मफलर ले सकते हैं, लेकिन एक भाई ने मुझसे ये पूछा कि हम इन सर्दियों में मफलर कैसे यूज करें, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। तो आज की जो वीडियो है वो इस मफलर के साथ ही होगी, क्योंकि हम मफलर के बारे में बात करने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इसमें कैटेगरी कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है इसमें कॉटन की। आप एक कॉटन मफलर ले सकते हैं, और इसके साथ साथ फिर आप वूल में ले सकते हैं, फिर उसके साथ साथ एक हार्ड कॉटन आती है, और उसके साथ साथ फिर एक सॉफ्ट कॉटन आती है। इसी तरह की हार्ड वूल भी आती है और सॉफ्ट वूल भी आती है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है ये वाला मफलर। ये मफलर ज़्यादातर मतलब आप इसको शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं, और ये वाहिद एक ऐसा मफलर है जिसको आप शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं, पैंट शर्ट के साथ पहन सकते हैं, पैंट जैकेट के साथ पहन सकते हैं आप इसको। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज में चल जाता है, ख़ासतौर पर जैकेट के साथ तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा करता है। और वो हजरात जो बाइकर्स हैं उनके लिए तो बाइक जैकेट के साथ ये एक नेक्स्ट लेवल में ही चला जाता है, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसी एसेसरीज है। मैं इसको एसेसरीज कहूँगा क्योंकि ये भी उन्हीं एसेसरीज की तरह यूज होती है जब जब आपने अपने आउटफिट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये कैजुअल चीज़ नहीं है, आप इसको ऐसे ही कैरी नहीं करते हो, आप इसको तब तक कैरी नहीं करते जब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह ही ये एसेसरीज में शामिल होती है, लगे सीने पे, और वो कवर भी रहे उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, और एक स्टाइल भी हो जाता है क्योंकि लॉन्ग कोट के साथ भी कुछ मफलर्स चलते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी आउटफिट के साथ हम इसको पहन सकते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, सिर्फ यही आपको बेसिक बताना है कि आप इसको कैसे कैसे कैरी कर सकते हैं और कैसे कैसे पहन सकते हैं इसको। इसके साथ साथ जैसे कि आप काफ़ी देर से ये ब्रेसलेट देख रहे होंगे मेरे हाथ में, तो ये ब्रेसलेट भी आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ आईवी स्टोर पर, आईवी ऑनलाइन स्टोर। अभी जाएँ इंस्टाग्राम पर जाकर आईवी स्टोर को विजिट करें। उसके साथ साथ आपको इस तरह के मफलर्स भी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप उसको जरूर कंसीडर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।